ये है भारत की सबसे खूबसूरत किन्नर जिसे देख सनी लियोनी को भी जलन हो गई। आज हम आपको भारत के सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत किन्नर से मिलवाने जा रहे हैं। हालांकि आज से पहले आपने इनके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इनके चर्चे देश के अलावा विदेश में भी होते हैं। जी हां, आज जिस मशहूर किन्नर के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम विशेष हुई रिम है। डॉट आपकी जानकारी के लिए बता दे कि थाईलैंड के चोनबुरी में होने वाली एक प्रतियोगिता के कंटेस्टेंट भी थे और इस प्रतियोगिता में 30 प्रतिभागियों को चुना गया, जिनमें एक नाम विशेष का भी वे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी खूबसूरती का जलवा दिखने के लिए ये प्रतियोगिता सिर्फ किन्नरों के लिए आयोजन किया जाता है और साल 2004 के बाद हर साल ये प्रतियोगिता आयोजन की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडरों को हमेशा से हमारे समाज में को दूसरी नजर से देखा जाता रहा है। हालांकि अब उन्हें ट्रांसजेंडर का दर्जा मिल गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी कई लोग किन्नरों को नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर हुई रूम ने जिसने देश और दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि विशेष के माता पिता भी इनके इस उपलब्धि के लिए काफी खुश हैं और जब उन्हें मालूम चला था कि उनका बेटा किन्नर है, तब उन्होंने काफी धैर्य और शांति से काम लिया था। जब विशेष के पिता मैंगलेम को उनके बेटे के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक बेटी से बढ़कर है। हालांकि पहले वो इनके इस व्यक्तित्व के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इनकी इस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट किया। आपको बता दें कि इन्होंने बैंगलोर विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। वह मणिपुरी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इस बात का उनके माता पिता को उन पर गर्व है। जब विशेष के पिता मैंगलेम से उनके बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा कि वे एक बेटी से बढ़कर हैं। इसी तरह जब विशेष की मां कुमरोन बी ने अपने बेटे के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने बताया कि शुरुआत में विशेष जब औरतों के कपड़ों की तरफ काफी इंटरेस्ट लिया करते थे, तब उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बाद उन्होंने भी विशेष को स्वीकार कर लिया था।